नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मां अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है दीक्षा। कैसे दीक्षा मिलता है, क्या होता है, इसको केंद्रित करके ही पूरा चर्चा हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है और पूरा वीडियो देखने के बाद किसी को अच्छा भी नहीं लग सकता है। खैर वो देखेंगे, वो तो अपनी अपनी रुचि और पसंद की बात है। मेरे तरफ से जो कहना है वो पूरा साफ साफ है, ठीक है। तो पहले इस चर्चा में जाने से पहले मैं अपना कुछ पुराना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको ये दीक्षा वाले मामले में मेरा एक्शन कैसा रहता है वो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। बहुत साल पहले की बात है, तब जेठू थे, मैं आश्रम में रोज जाता था। तो एक आंटी थी, मेरे पड़ोस में एक आंटी थी और मैं सुबह सुबह दूध लेने के लिए जाता था। जड़ा का मौसम था, विंटर सीजन था, तो मैं रोज सुबह 6 से 7 बजे के बीच, क्योंकि मेरा टाइम वैसे तो कुछ फिक्स नहीं था, मैं थोड़ा सा इंडिसिप्लिन्ड हूँ, तो सुबह सुबह मैं दूध लेने जाता था जरा के वक्त, विंटर के टाइम। और वो आंटी जो था, वो आंटी सुबह सुबह अपना पूरा जानला जो है विंडोज ओपन करके रखते थे और अंदर से मुझे देखते थे। तो मैं जब जाऊंगा तो वो मेरे लिए फूल सुबह सुबह तोड़ के रखते थे और वो मुझे देते थे। विंटर के सीजन में फूल थोड़ा सा कम होता है, तो वो आंटी ना जाने कितना सुबह उठती थी, 5, 4:30, 4 बजे मुझे पता नहीं, और वो फूल मेरे लिए तोड़ के रखती थी और वो फूल मुझे मिले। वो 1 घंटा तक विंटर सीजन में पूरा जानला खोल के, कभी तो फॉग रहता था, वो वहां से देख रहे कि कब मैं रास्ते से जाऊंगा, थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, मैं उस रास्ते से जाऊंगा दूध लेने के लिए या दूध आने के वक्त, और वो देखती थी फूल के लिए मुझे वो फूल देंगे। और पूरा जो विंटर सीजन था मैं उनके दिए हुए फूल से अपना पूजा सुबह का मैं खत्म करता था। थोड़ा सा आप अंदर से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे ये कितनी बड़ी बात है। 1-2 दिन का मामला नहीं है, 1-2 मिनट का मामला नहीं, 1 घंटा जरा के वक्त जानला खोल के कब जाएगा और कब वो फूल लेके देने का। मैं बहुत खुश हुआ वो आंटी पे, और मैं तब जेठू था आश्रम में, मैं जेठू को बोला ये आंटी मेरे लिए वो उतना करता, मैं सोचता हूँ आध्यात्म रूप से उनके लिए अगर कुछ मदद हो सके तो। तो जेठू ने मुझे बहुत तिरस्कृत किया, जेठू ने बोला क्या है ये, क्या किया, तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ तुम बच्चे हो, तुमको समझ नहीं है किस चीज के लिए क्या है, वो आंटी इतना कर रहा है, उनको तुम कोई साड़ी खरीद के दो, कोई गिफ्ट खरीद के दो, ये सब चीजों के लिए तुम उतना उसको वैल्यू देना नहीं चाहिए, और तुम बच्चे हो, आध्यात्म चीज समझने के लिए कितना उनका वैल्यू है, और तुम ये सब बंद करो। तो उन्होंने मुझे काफी तिरस्कृत किया। तो तब मुझे समझ में आया कि जो चीज लेके मैं काम कर रहा हूँ या मेरा जेठू गुरुजी मुझे शिक्षा दे रहा है ये कितना अनमोल है, और किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो गया, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस है, तो आप ये चीजों को महत्व को आप समझोगे। एक इंसिडेंट है, तब बंडूल में था, बंडूल में दोपहर का वक्त था, मैं जेठू के पास ही बैठा था हॉल में, तब कोई एक फॉरेनर लड़की आई, हम लोग अंदर ही थे, बाहर में देखा वो फॉरेनर लड़की घूम रही है। तो अभी विदेशी कोई अभी आश्रम में आया तो फिर बहुत लोग खुश होते हैं, क्योंकि डॉलर यूरो का बात है जितना भी आश्रम है तो वो विदेशी को बहुत पसंद करते हैं। तो हम देख रहे बंडूल में कहां से वो आया, तो जेठू ने पूछा वो कहां से आया, तो बोला इटली से आया। बस इतना ही पूछा, कहां से आया, इटली से आया। आप सोचिए कोई लड़की इटली से बंडूल के विलेज तक पहुंच गया, जेठू उनको बुलाया नहीं, उनसे कुछ पूछा नहीं, उनका कोई अपना परिचय नहीं दिया कि नहीं
मैं बाबा विशुद्धानंद जी का ग्रैंडसन हूँ, इतना फलाना ढिमकाना, मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, हाँ ऐसा ऐसा करके, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो लड़की आई, घूमा और चली गई। जेठू ने उनको बुलाया भी नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कुछ एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। जेठू एकदम पूरा ठंडा, एकदम रिलक्टेंट। तो आप सोच सकते हैं कि जेठू आश्रम में जो भक्त आ रहा है, जो डिसिपल्स आ रहा है, उनके लिए जेठू कितना रिलक्टेंट थे। ऐसा नहीं आ गया बहुत अच्छा, हम लोग धन्य हो, भाग हमारा, आप पधारे, ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, तो ऐसा जेठू को मैं देखा। जेठू का जब कोई डिसिपल्स आता, जेठू अकेला रहते थे, कोई विजिटर्स आ रहा है, जेठू इज ऑलवेज रिलक्टेंट। जेठू का ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं था। अगर मूड अच्छा रहेगा तो बात करेंगे, अगर मूड अच्छा नहीं रहा तो चुपचाप रहेंगे। लोग दो चार मिनट बाद उसको पता चल जाएगा भाई यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो जेठू खुद बेवकूफ बन गए भाई। ये तो अगर कोई आदमी किसी को छुपा के बैठता है और आप उनसे मिलना है, वो बेवकूफ बन के ही रखे, तो फिर आपको लगेगा ये तो फालतू आदमी है, तो फालतू आदमी है तो आप चले जाओगे। तो खुद को फालतू बना लो तो लोग वैसे ही चले जाएंगे, भीड़ कम रहेगा। तो जेठू का कभी ऐसा भी स्ट्रेटेजी था, लोग आए जेठू ऐसे ही बैठे हुए, तो जेठू का परिवार वाले थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट रखते थे, कौन आया, क्या आया, भक्त आया, शिष्य आया। जेठू का ऐसा कोई कुछ इमोशन का कुछ नहीं, वो खाली ऐसे बैठे, आया गया, ठीक है भाई, मूड अच्छा हो बात करेंगे, मूड अच्छा नहीं हो दो चार बात करेंगे, सामने वाला वैसे ही कुछ आलतू फालतू क्या अच्छा बुरा सोचेगा, वो चलता बनेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, बात खत्म। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं कभी आश्रम आया और देखा जेठू किसी से बात कर रहे, तो मेरा तो दिन भर रोज का आना जाना, मेरा तो वो घर का है, बस बगल वाले कमरे में गए, ऐसी वाली बात है। तो मैं गया, देखा कि जेठू किसी से बात कर रहा है, मैं बगल वाले ऐसे पास में कमरे में चला गया, न्यूज़पेपर उठा लिया, बैठ के पढ़ने लगा, जेठू बात कर रहा है। तो मैं बोला ठीक है, आदमी आया विजिट करने के लिए, थोड़ा सा उसको प्राइवेसी दो। वो चला गया, तो फिर मैं जेठू से पूछा कौन है, हाँ, जेठू बोला वो आए है ऐसा करके, थोड़ा सा उतना ऐसा नहीं आया है बहुत कुछ। मैं पूछा क्या डिसाइपल है क्या, जेठू बोला हाँ डिसाइपल है, बस इतना। अभी ऐसा नहीं कि वो मुझसे वो खुल के बात नहीं करना चाहते हैं कि नहीं इसको मैं बताऊंगा नहीं मेरा डिसाइपल है, वैसा ऐसा मोटिवेशन रहता तो वो लोगों के चेहरे में दिखता है, बात में मिलता है वो, ऐसा नहीं। जेठू वॉज रिलक्टेंट, हाँ आया है ठीक है, गया क्या है, कुछ नहीं है। मैं जेठू को पूछा कि शिष्य के मारे में मेरा जेठू से बहुत कम बात हुआ, अगर हजार बात हुआ तो 10 या 12 बार ऐसा कुछ चर्चा हुआ जेठू के डिसाइपल्स के बारे में। तो मैं कभी जेठू से पूछा कि तुम्हारा शिष्य तुमने दिया दीक्षा, तो तुम कितना लोग कितना उन्नत हुए, कितना वो लाइफ में प्रोग्रेस किया। जेठू बोला कि दीक्षा के लिए हर कोई पूछता है, दीक्षा लेने के बाद काम नहीं करता। जेठू का वो कंप्लेन रहता था, दीक्षा लेने के लिए दीक्षा दो दीक्षा लेना है, दीक्षा लेने के बाद काम नहीं करता, काम कोई नहीं ठीक से नहीं करता, और जो करता वो उतना नहीं कि जितना करना चाहिए था, क्योंकि हमारा गुरु परंपरा बहुत बड़ा है, बहुत महान है, IIT IIM ले सकते हो आप, कि इतना बढ़िया गुरु परंपरा है। मेहनत कौन करता है, मेहनत कोई चर्चा करता है, बात करता है, काम कितना लोग करता है। तो जेठू का उसमें भी कंप्लेन था, और जेठू डिसाइपल्स बनाया करीब 100, उनके आप 90 इयर्स वो रहे, 90 साल, और बाबा के पोते थे आश्रम में बैठे हुए, कितना लोग आए आप सोचिए ना, कितना विजिटर्स आए, कितना डिवोटीज आए, अपना वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आए थे, MLA MP इंडस्ट्रियलिस्ट, कितना लोग आए आप समझ लो। डिसाइपल्स कितना था, 100 कम या ज्यादा, ऐसा कुछ जेठू ने ऐसा कुछ हमारे बीच में चर्चा हुआ था। तो आप समझ सकते थे कि ये मामले में जेठू कितना आपको खुद को ऐसा वो थोड़ा सा छुपा के, थोड़ा सा सिकुड़ के वो रखते थे। साल में शायद 2-3 साल में किसी एक को दीक्षा मिलता है। मैं जेठू को पूछा, आदमी कोई आ जा रहा है, वो दीक्षा मांग रहा है, कितना साल से हो, तो 3 साल हो गया, मुझे मुझे खुद 5.5 साल बाद दीक्षा मिला, ठीक है।
तो ये पूरा चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये चीज को महत्व को समझो। मेरा जेठू गुरुजी कैसे ये चीज के बारे में, कैसा उनका रवैया था, कैसा अप्रोच था, ये बात को आप समझो तो तब आपको पता चलेगा। तो जब जेठू ने मुझे उनका उत्तराधिकारी बनाया तो मेरा कैसा अप्रोच रहना चाहिए? डिसाइपल्स तो वो बनाते नहीं, और मेरे को बनाया डिसाइपल, उसके बाद अपना उत्तराधिकारी। तो मेरे अंदर अभी झंडा मेरे पास है। तो जो सीख मुझे हमेशा उनके साथ रह के मिला, वो देखा, वो चीज प्रॉपर तरीके से मेरे जिंदगी में भी वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इतना मैं आप लोगों को कहा, ये तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आपको समझ में आए कितना बड़ा बम्बू अभी आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे नोट कर लिया क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट कुछ छूट ना जाए। तो पहले तो मैं अपना गुरु परंपरा के बारे में मैं बात करता हूँ, मैं खुद क्या हूं। देखिए भाई साहब, मेरा नाम है अनिरुद्ध मुखर्जी, ब्राह्मण हूँ, बर्धमान में रहता हूँ। बर्धमान पश्चिम बंगाल में आपको बर्धमान मिलेगा, हावड़ा से 100 किलोमीटर्स। अभी बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा का मैं प्रतिनिधि हूँ। ठीक है, मेरे पीछे मेरा गुरुजी है सौरसी मोहन चैटर्जी, उनके पीछे है विशुद्धानंद परमहंस देव, उनका जो ग्रैंडफादर वो है। बाबा विशुद्धानंद जी के पीछे है महातपा महाराज, जो ज्ञानगंज के पीछे, ज्ञानगंज में रहने वाले हैं, राजराजेश्वरी मठ में। और महातपा के पीछे है ख्यापा मैया, जो उनका गुरु माँ है। ये गुरु परंपरा मेरे पीछे है, मैं उन लोगों का प्रतिनिधि हूँ, ऐसा है। ये है मेरा परिचय। अभी मैं कोई अभी मैं जो प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उसके लिए मेरा गुरुजी ने मुझे अपना अनुमति आशीर्वाद दिया, जिस वजह से मैं हूं। मेरे पीछे कोई बाबा का आश्रम नहीं है, आश्रम में जो ट्रस्ट है उन लोगों का कोई कुछ हाथ नहीं है, और कोई नहीं है, माने और कोई कुछ अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जो उन्होंने मुझे वोट किया, इलेक्शन में खड़ा किया, कोई नहीं है। मेरा गुरुजी मेरे पीछे है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि मेरा जितना भी डिसिपल्स और डिवोटीज रहेंगे उनके ऊपर उनका आशीर्वाद रहेगा। बाबा विशुद्धानंद जी दीक्षा देते थे ज्ञानगंज के आदेश अनुसार, मेरा गुरुजी दीक्षा देते थे बाबा विशुद्धानंद जी के आदेश अनुसार, मैं दीक्षा देता हूँ मेरे गुरुजी की आदेश अनुसार। तो मेरे मेरा अगर आप मेरे खुद के काबिलियत के बारे में पूछेंगे, मैं नालायक हूँ। मैं कभी खुद को उतना मैं लायक नहीं समझता, मैं बस उन लोगों का प्रतिनिधि हूँ। अगर मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे, मेरे से जो दीक्षा लेंगे, उनको जो गुरु शक्ति है उससे उन लोगों को मदद मिलेगा। ठीक है, शिव जी है आदि गुरु, आदि गुरु से गुरु शिष्य परंपरा चलता है। और गुरु शक्ति है, गुरु कौन है? गुरु भगवान है, इंसान गुरु नहीं है, गुरु भगवान का एक रूप है, एक प्रतिनिधि है, स्थूल रूप है पर पीछे भगवान ही है, जो कभी माता के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी बीवी के रूप में, गुरु के रूप में वो आते हैं। तो गुरु शक्ति गुरु के पीछे वो रहते हैं। तो मेरे साथ गुरु शक्ति है, जो मैं दीक्षा देता हूँ वो गुरु शक्ति के बल से, मेरे बल से नहीं है। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। अगर आप बाबा विशुद्धानंद जी के किताब पढ़ के कोई हाई एक्सपेक्टेशन लेके मेरे पास आओगे वो गलत होगा। बाबा विशुद्धानंद जैसे योगी 1000 साल में कोई एक होता है। तो मैं उनके दिए हुए रास्ते से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप कोई हाई एक्सपेक्टेशन मेरे पास लेके मत आना, मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरे पीछे है मेरा गुरुजी का आशीर्वाद। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मुख मूलम गुरु कृपा, गुरु
गुरु का मंत्र है, गुरु का आशीर्वाद है। इस वजह से मेरे साथ जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ उस सभी को गुरु शक्ति का जो मेरे साथ है उनका पूरा आशीर्वाद मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। और ये जो गुरु परंपरा है उससे भी आप जुड़ेंगे, ये तो तय है। ठीक है, जितना भी गुरु शिष्य परंपरा क्या होता है, इंटरनेट के तरह होता है, अंदर ही अंदर सब लिंक रहता है। ठीक है, तो मेरा जितना भी लोग रहेंगे उसको भी इंटरनेट कनेक्शन पूरा मिलेगा, और पूरा गुरु परंपरा की ओर से जो कोई भी जितना भी साधना कर रहा है तो उसका पूरा पूरा लाभ उसको मिलेगा। जैसे कि पेड़ अगर पानी खींचता है तो जितना भी उसमें पत्तियां लगा होता है, फूल फल रहता है, सबको वो रस मिलता है। वैसे ही ये पूरा जो आपका स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव ज्ञानगंज घराना है, पूरा गुरु परंपरा जो है, मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे उसको वो रस साधना में, वो सपोर्ट, वो बल पूरा उसको मिलेगा। ये तो गारंटी वाली बात है मेरे तरफ से, क्योंकि मेरा गुरु बहुत सच्चा था, मैं बहुत सच्चा हूं अभी तक। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो इतना मैं आपको पूरा मैंने कह दिया, ये चैप्टर भी मैंने खत्म किया। अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक है, अभी इतना कहने के बाद क्या होता है, देखिए मैं तो बहुत खूबसूरत तो नहीं हूं, काला भी हूं, गोरा भी नहीं हूं, और मेरा बाल भी सफेद नहीं हुआ है। तो क्या होता है, लोग, कुछ लोगों का ऐसा है तो मुझे वो उतना मानना नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है, हर सबको रुचि अलग अलग होता है, उनका रुचि अलग है, तो वो मुझसे आके पूछते हैं आपको पता है ये गुरु परंपरा में और कौन दीक्षा देता है, कि और वहां पे कोई दीक्षा दे रहा है कि कहाँ, कलकत्ता में कि बॉम्बे में का दिल्ली में, मैं प्लेसेस पकड़ रहा हूँ, वहां से कोई कह रहा है मैं ज्ञानगंज से हूँ वो दीक्षा दे रहा है, वो सिद्ध महात्मा संत है, वो मुझे पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ आप गुरुजी के परिवार के पास जा सकते हो, गुरुजी के परिवार भी बर्धमान में रहते हैं, तो आप उनसे मिलके आप दीक्षा के बारे में बात कर सकते हो। बाहर वाले किसी के बारे में मुझे पता नहीं है, और मुझे पता करना भी नहीं है। मैं इधर तो मैं कोई दुकान नहीं डाला हूँ कि मेरा कोई पास में कोई बगल वाला दुकान खोल देगा तो मेरा कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना गुरु, अपना ईष्ट और अपना साधना, अपना काम मैं जानता हूँ। ठीक है, बाहर में क्या हो रहा है और कोई संत महात्मा है मैं उसको नमन करता हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि उधर जाऊंगा और कुछ ब्लेसिंग मिल जाएगा, कुछ शक्तियां आ जाएगी जिससे फटाक से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई शॉर्टकट मैं वो रिकमेंड नहीं करता, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आप अपने सही नियत से अगर आप काम करते हो तो भगवान जो सर्वशक्तिमान है उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है, गुरु का भी तो वो रहता है। मैं अभी पहले ही गुरु शक्ति का बात किया, तो इसलिए ये सब आप मुझे मत पूछो। ठीक है, आपको मैं अच्छा लगता हूँ, अच्छी बात है, आपको मुझे बुरा लगता है, अच्छी बात है, मैं आपका बहुत अच्छा कामना करता हूँ, किसी के पास कोई हार्ड फीलिंग्स अच्छा बुरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, लोग दीक्षा को काफी सस्ता वाला बात समझ लेते हैं। कई आश्रम में तो एक दिन में दीक्षा हो जाता है, 50-100 का कोई डेट देता है, ऐसा होता है। तो देखिए, बहुत जो आश्रम है तो वो उसका बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, उसको मेंटेन करना होता है, उन लोगों का उत्सव रहता है उसको मेंटेन करता है, तो उस लोग पैसा चाहिए। तो हर कोई पैसा तो नहीं देता है, 100 आदमी को दीक्षा दिया, 10 लोग पैसा दिया, 10 लोगों से पूरा खर्चा उठता है। तो उन लोगों का क्या, उसको लोगों को वॉल्यूम बढ़ाना होता है, कितना जुड़ सके, कितना गुरु का प्रचार हो और कितना वॉल्यूम हो, कितना लोग हो जिसमें अपना में प्रॉपर्टी और जितना एक्सपेंस वो आम मेंटेन कर सके। तो भाई मेरा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, माने मेरा कोई आश्रम नहीं है और मेरा कोई उत्सव भी नहीं है, तो जिसके लिए मुझे चंदा देने वाले डिसाइपल्स का जरूरत है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो आश्रम में भर भर के दीक्षा होता है और तंबुआ लगता है, ये मेरे यहाँ नहीं होता है। मेरे अंदर कंट्रोल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, कम रहे, कोई नहीं रहे, पर क्वालिटी अच्छा रहे, क्योंकि मैं अपने गुरुजी के पास आंसरेबल हूँ। ठीक है, अगर आप आपके पास मैं 10,000 रुपए मांगता हूँ
तो आप सोचोगे ये 10,000 रुपए लेके करेंगे क्या, उसका क्रेडिटिबिलिटी क्या है, बिजनेस करेगा, इन्वेस्ट करेगा, 10,000 का क्या 12,000 मुझे रिटर्न देगा? अगर 10,000 रुपए में वो 5,000 रुपए गवा देता है, आप सोचोगे क्या पागल है, बाकी 5,000 रुपए भी जिसको दिए उससे वापस ले लेते हैं। वैसा ही है, मेरा गुरुजी ने जितना ब्लेसिंग्स मुझे दिया है उनके साथ रह के मुझे जो सीख मिला है उसका सही सही प्रयोग मुझे करना है। मैं अपने गुरुजी के पास आंसरेबल हूँ, इसलिए आप मुझे गलत मत समझना, मेरा रवैया काफी स्ट्रिक्ट रहेगा, जिसमें लोग आए ना रहे मुझे परवाह नहीं, पर मैं डिसाइपल्स को भी परवाह नहीं करता कितना लोग मुझे मानता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ताली देगा खुश हो जाएगा, मैं अपने गुरुजी के लिए वफादार रहना चाहता हूँ। तो अगले जो एक वो जो डिस्कशन होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट रहेगा, जो बम्बू देने वाली बात मैं कही, वो बम्बू आ रहा है, आप रुको, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा इस प्रोसेस में रहेगा कितना कम लोग मेरे से जुड़ सके, और कितना लोग जो आएंगे कितनों को मैं हकाल सकता हूँ, कितनों को मैं निकाल सकता हूँ, कितना मैं छंटाई कर सकूँ, जैसे कि जितना जेनुइन लोग है, एकदम सही वाले जितना आदमी है वो मेरे साथ जुड़े, और जब मैं अपने गुरुजी से मिलूं या जितना भी गुरु परंपरा का लोग है वो भी कहे नहीं बच्चा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मैंने कह दिया, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं हमारे गुरु परंपरा में दीक्षा किसका होता है। देखिए भाई साहब, हमारा जो गुरु परंपरा है, माने विशुद्धानंद परंपरा जो है, बाबा विशुद्धानंद जी तो वैसे तो जैसा जैसा जिसका मंत्र होता है वो वैसे दीक्षा देते थे, पर मैं ऐसा नहीं देता, मैं दुर्गा जी का मंत्र देता हूँ, ये एकदम साफ साफ है। मैं जेठू को पूछा था कि ज्ञानगंज वाले दो चीज उन लोगों का मेन है, एक है त्रिपुरा सुंदरी जिसको वो आराधना करता है, और दूसरा है माँ दुर्गा जिसका वो आराधना करता है। तो माँ दुर्गा का जो परंपरा है वो हमारे उम्र से आता है, मेरा जो गुरुजी थे वो माँ दुर्गा जी का साधना किया, उनका जो पिताजी दुर्गादास जी वो माँ दुर्गा जी या जगदात्री आप ले ले उनका साधना किया, और बाबा विशुद्धानंद जी भी दुर्गा जी का साधना किया, मैं भी दुर्गा जी का साधना करता हूँ, और जो लोग मेरे से जुड़ेंगे उनको भी दुर्गा जी का ही मंत्र मिलेगा, माँ दुर्गा का मंत्र मिलेगा, दूसरा और किसी के देवता या देवी का मंत्र मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा उसका लाइसेंस नहीं है, जिसका लाइसेंस है उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कोई मंत्र मैं नहीं दे पाऊंगा। और दुर्गा जी का मंत्र जो मेरे से लेंगे या कोई भी सिद्ध महात्मा आप कहीं से भी ले लीजिए, सेम इफेक्ट है, कोई उसमें अंतर नहीं है, शायद आपको कोई कुंडली शक्ति जागे या ना जागे, कोई आपको दिव्य दर्शन हो कि ना हो जब मैं दीक्षा दूंगा या नहीं, तो वो हो ना हो पर उसमें कभी कोई फर्क नहीं होगा, मेरा जो मंत्र है वो पूरा अमोघ होगा, और वो पूरा जो एक साधक या योगी को मिलने लायक है।